पास जो इनपुट्स हैं, सुशांत सिंह राजपूत की जो जो डेथ हुई थी वो रात में ही 3:30 बजे हो गई थी, जबकि उसके बाद कहानी ओके बनाया जा रहा है कि जूस पिलाया गया, ये किया गया, वो किया गया, उसके नौकर के पास से 22 लाख रुपया मिला, मगर ये सब बात को दबा दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्या मिस्ट्री गर्ल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ 14 जून 2020 को बताई जाती है कि हुई थी, पर क्या उसी दिन सुबह 11 बजे किसी ने पोस्ट कर दिया था सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को लेकर, और कहा जा रहा है कि तीसरी तरफ बॉलीवुड के इतने बुरे दिन आ जाएंगे और बॉलीवुड का एक सच सामने आ जाएगा कि किसी ने सोचा नहीं था। जो आज हम बताने वाले हैं ये आप सुन के चौंक जाओगे, क्योंकि बॉलीवुड भैया अब कोलैब कर रहे हैं पॉर्न स्टार के साथ, और दूसरी तरफ उदित नारायण जी इतने अच्छे सिंगर हैं पर उनके बेटे की हरकत देखकर आज कहीं ना कहीं बहुत सवाल उठ रहे हैं उनके बेटे के ऊपर। सब कुछ हम डिटेल में आज आपको बताने वाले हैं, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो सुशांत मामले में मिस्ट्री गर्ल का रोल क्या है, क्योंकि बहुत बार बातें हुई हैं कि भैया मिस्ट्री गर्ल इस पूरे मामले में बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है। क्या मिस्ट्री गर्ल जब वहाँ पहुँची थी तो क्या वो संदीप सिंह उस समय वहाँ मौजूद थे, क्या संदीप सिंह से मिस्ट्री गर्ल मिली थी? यहाँ तक कि दावा ये भी होता है कि सिर्फ मिस्ट्री गर्ल एक नहीं थी, वहाँ पर कई लोग ऐसे पहुँचे थे जिनको मिस्ट्री गर्ल लेकर बात की जा रही है। इसी के बीच कुछ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है जिसमें लोग कह रहे हैं कि जो संदीप थे, जो सुशांत के दोस्त वहाँ पर बन के पहुँचे थे, वो मिस्ट्री गर्ल से बातचीत कर रहे हैं। तो क्या संदीप ने एक बार भी ये नहीं चाहा कि वो बता दें कि मिस्ट्री गर्ल भैया ये थी? अगर कुछ भैया दाल में काला नहीं था तो क्यों मिस्ट्री गर्ल का नाम या फिर मिस्ट्री गर्ल का चेहरा सामने आने में इतना टाइम लग गया, जबकि सामने आज तक लाया नहीं गया है। लोग अपने द्वारा मिस्ट्री गर्ल का नाम ले रहे हैं, पर कहीं ना कहीं अब लोग मिस्ट्री गर्ल को लेकर रिया का ही नाम लेते हैं। अब आपको क्या लगता है कि मिस्ट्री गर्ल कौन है? वहीं पर कहा जा रहा है कि संदीप सिंह की जब फोटो मिस्ट्री गर्ल के साथ देखी गई और मिस्ट्री गर्ल के साथ लगातार वो बातचीत कर रहे थे, जिसके बाद लोगों ने संदीप सिंह के ऊपर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। जहां पर देखा जा रहा है कि कुछ फोटो वायरल हो रही है जिसमें मिस्ट्री गर्ल के साथ एक और महिला वहां पहुंची थी, और सिर्फ इतना ही नहीं कहा जा रहा है कि इसी के बीच एक और फोटो वायरल हुई थी जहां पर मिस्ट्री गर्ल तो पहुंची थी, उनके बाद कहा जा रहा है कि दो महिला और थी जो व्हाइट कपड़े पहनकर वहां पहुंची थी, और ये फोटो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि वायरल हुई थी। और जिस फोटो को देखने के बाद हम कुछ शॉक हो गए थे कि आखिरकार इस फोटो में देख रही दो महिला जो व्हाइट कपड़े में पहुंची है ये कौन है? क्या ये किसी एनजीओ से जुड़ी हुई है, और क्या ये कोई ना कोई अननोन लड़कियां हैं जो वहां पर किसी के बुलाने पे आई हैं? अब कौन थी ये कोई नहीं जानता। अब कहीं ना कहीं सुशांत के घर पे दो शरीर की जो बातें हो रही थी, ऐसी कुछ फोटो वायरल हुई थी जिसमें लोगों ने दावा करा कि पीछे देखो, पीछे कुछ व्हाइट कलर का कॉर्नर में दिख रहा है, क्या वो किसी और का शरीर है? ऐसी बातें लोगों ने कहीं ना कहीं फैलाई थी। अब उसके पीछे सच क्या है ये तो एजेंसी जो जाँच कर रही है वही बता सकती है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भैया इस पूरे मामले के अंदर जितने सारे बातें हम करेंगे, जितने सारे चीज़ों के बारे में अगर जिक्र करेंगे उतने सवाल और बनेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि हम बातें ही वही करते हैं जो चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही होती हैं। ट्विटर पर जाइए, आपको आज भी कई ऐसे फोटो मिल जाएंगे जिनको देखने के बाद आपके मन में और 10 सवाल आ जाएंगे कि भैया क्या हुआ होगा उस दिन। क्योंकि कहा जाता है कि किसी ने अभी सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर दावा कर दिया कि भैया सुशांत जिस नेपाली बच्चे को बचा रहे थे उनकी भी डेथ हो गई है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल होने लग गई जहां पर सुशांत का शरीर पड़ा है और दूसरी तरफ एक कॉर्नर में व्हाइट कलर का कपड़ा है। अब लोग दावा कर रहे हैं कि वो व्हाइट कलर के कपड़े में कोई और दूसरा शरीर है। एम्बुलेंस कैसे बदलती है, वहां से निकलती है तो कोई और एम्बुलेंस निकलती है घर से, और जब कहा जा रहा है कि कूपर पहुंचती है तो वो कोई और एम्बुलेंस होती है। तो इस प्रकार कहा जा रहा है कि सवाल उठाए गए इस पूरे मामले के अंदर। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिरकार इन सारी बातों के सवाल कौन दे सकता है? सिर्फ एजेंसी, क्योंकि ऑफिशियली तौर पर एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के अंडर में काम करती है। कहीं ना कहीं सोचिए, जब केंद्र सरकार के अंडर में काम करने वाली एजेंसी, प्रोफेशनल एजेंसी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो उन्हीं का हक है कि वो इस पूरे मामले के बारे में जितने सवाल उत्पन्न हुए हैं उनके जवाब दें, क्योंकि उनका जवाब देना इसीलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि जितना वो डीले करेंगे उतने ही सवाल और उठेंगे, और ना जाने उनके ऊपर भी लोग सवाल उठाने जिस प्रकार शुरू कर रहे हैं, आने वाले वक्त में उनके ऊपर ही सवाल ना उठा दिए जाएं। तो अब यहाँ पर देखने वाला विषय होगा कि आखिरकार क्या सुशांत मामले में जिस प्रकार चीज़ें निकल के आ रही है, क्या इस पूरे मामले में वैसा सच सामने निकल के आएगा? वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कहा जा रही है कि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ 14 जून को हुई थी, ये सब जानते हैं। ये खबर हमने भी दोपहर के वक्त टीवी पे देखी थी, जब टीवी न्यूज़ चैनल ऑन करा तो हमने देखा कि ऐसी ऐसी खबर निकल के आ रही है। पर सुबह 11 बजे
कि आसपास एक पोस्ट वायरल हुआ था, ऐसा भी दावा किया गया सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां पर दावा यह हुआ कि भैया सुबह 11 बजे आखिरकार ये महिला जो है इन्होंने कैसे सुशांत की डेथ के बारे में खबर छाप दी। बाद में कहा जाता है कि ये डिलीट हो गया नहीं हुआ इसके बारे में हमको नहीं पता, पर लोगों ने कहा ये सुबह 11 बजे कैसे खबर छाप दी गई, जबकि सुशांत के पटना वाले नेबर का कहना था भैया सुशांत की डेथ सुबह 3:30 बजे ही हो गई थी। ये हम नहीं कह रहे हैं कि सुशांत के पटना वाले नेबर की वीडियो भी हमारे पास है जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जो वीडियो को मैं अटैच कर दूंगा शुरुआत में वीडियो की, आप सुन लीजिएगा क्योंकि ये बात आप गौर से सुनिए। एक महिला पोस्ट करती हैं जो इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, सुबह 11 बजे की सुशांत की डेथ हो गई है, और दूसरी तरफ सुशांत के पटना वाले नेबर जो ये दावा करते हैं कि सुशांत की डेथ सुबह 3:30 बजे हुई थी। अब यहाँ सवाल दो उठते हैं कि परिवार कि कई सारे सदस्य न्यूज़ चैनल पे आए हैं जिन्होंने कभी ये दावा नहीं करा कि सुशांत की डेथ सुबह हुई है, ये उनको पता लग गया था, क्योंकि पटना के नेबर ने ये दावा करा है कि उनको इनपुट मिले हैं अंदर से। अब अंदर के इनपुट कैसे हैं, उन्होंने ये भी बोला कि नौकर के हाथ 22 लाख मिले हैं। अब भैया पटना के जो नेबर थे उन्होंने तो यही बोला कि हमको तो अंदर से खबर पता लगी है, अंदर से खबर अगर पटना के नेबर को पता लग सकती है बात, तो क्या परिवार को ये बात नहीं पता लगी होगी। यहाँ पर बहुत सवाल उठ जाते हैं। अब कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ अगर हम चले तो 11 बजे अगर पोस्ट किया गया तो उसका मतलब क्या है कि सुशांत की डेथ के बारे में बॉलीवुड वाले पहले से जान चुके थे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे मामले में उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब मुझे लगता है कि एजेंसी को देना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसी बातें करी जा रही हैं और ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये एजेंसी ही बता सकती है। और सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड का हाल कितना बेहाल हो गया है ये आज हम आपको दिखाते हैं। बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप बहुत हुई, आपने देखी होंगी बॉलीवुड की फिल्मों के ट्रेलर लाइक डिसलाइक किस प्रकार हुए थे सुशांत के जाने के बाद, वो भी आपने देख लिए होंगे। पर कहा जा रहा है कि भैया इतने बुरे दिन आएंगे कि बॉलीवुड वालों को पॉर्न स्टार के साथ कोलैब करना पड़ेगा। हाल ही में रणवीर सिंह एक एडवर्टीजमेंट करते हैं जहां पर वो जॉनी सिंह के साथ दिखाई दे रहे हैं, और भैया किस प्रकार वो एडवर्टीजमेंट बनाई जाती है कि जैसे हमारे इंडियन टेलीविज़न में सीरियल दिखाए जाते हैं वैसा एक एडवर्टीजमेंट बनाकर तैयार किया जाता है, जहां पर भैया जो एक्ट्रेस है जो लड़की है जो शूट में काम कर रही है वो कहती है भैया आपके भैया का वो नहीं होता ये नहीं होता, मतलब समझ सकते हैं आप कहीं ना कहीं वो रणवीर सिंह से बात कर रही है और कह रही है भैया रणवीर सिंह के भाई बने हैं उस एडवर्टीजमेंट के अंदर जॉनी सिंह, और भैया वहाँ पर बात करी जा रही है कि इनमें दम नहीं है पावर नहीं है। सोचिए मतलब रणवीर सिंह कहीं ना कहीं कुछ लोग तो उनको अच्छा मानते होंगे, पर जब उनकी एडवर्टीजमेंट निकल के आ रही है तो लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि भैया भारत के जो टीवी सीरियल आते हैं उसमें इतना तो गंद नहीं दिखाया जाता जितना गंद इन्होंने अब दिखा दिया है। तो कहीं ना कहीं रणवीर सिंह के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और जॉनी सिंह भैया क्या करें, उनको इंडिया आ गए उनको काम मिल गया उनके लिए क्या है, पर कहीं ना कहीं हमारे देश के कई सारे ऐसे लोग हैं जो भैया कौन सा कल्चर यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं इसके बारे में कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए। क्योंकि सोचिए आप जॉनी सिंह के बारे में अगर लोग नहीं जानते तो बहुत सारे लोग सर्च करेंगे, और सर्च करने पर क्या सामने निकल के आएगा, और फिर क्या होगा, फिर जो बच्चे हैं वो भी जॉनी सिंह को सर्च करेंगे, और उसके बाद क्या होगा, फिर वो देखेंगे, और जब जॉनी सिंह को वो देखेंगे फिर ना जाने वो क्या क्या करेंगे। तो सोचिए कहाँ पर जा रही है हमारी जनरेशन और ये ले जाने वाले कौन से लोग हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उदित नारायण जी इतने बड़े सिंगर हैं, उनकी इज्जत आज भी सब करते हैं, क्यों ना करें, इतने महान सिंगर हैं वो, पर उनके लड़के आदित्य नारायण कहा जा रहा है कि जितना अच्छा वो एंकरिंग करते हुए दिखाई देते हैं उतना अच्छा वो लाइव परफॉर्मेंस करते वक्त नहीं होते हैं। क्यों, हाल ही में कहा जा रहा है कि वो एक परफॉर्मेंस देने गए हैं कॉलेज में, जहां पर कहा जा रहा है कि वो आराम से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और बीच में कोई फ़ैन कहा जा रहा है कि अपना फ़ोन आगे करके उनकी वीडियो बना रहा है या सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा होगा। और सोचिए वो अपने हाथ में जो माइक पकड़ के खड़े हैं आदित्य नारायण, वो फ़ैन के हाथ में 2-3 बार माइक मारते हैं ताकि वो फ़ैन के हाथ से वो फ़ोन छूट जाए, और फ़ोन छूटने के बाद कहा जा रहा है कि वो फ़ोन को पकड़ के फेंक देते हैं। अब सवाल उठता है यहाँ पर कि भैया घमंड किस बात का है, आप इतने बड़े सिंगर नहीं हो, आप इतने बड़े शख्स के बेटे जरूर हो पर इतने बड़े सिंगर नहीं हो। राहत फतेह अली खान की अभी हाल ही में वीडियो निकल के आई थी, उनके ऊपर सवाल उठे थे। अब सवाल यहाँ पर भी उठने चाहिए कि आदित्य नारायण ने ये जो हरकत करी है क्या ऐसे लोगों को अलाउ करना चाहिए कॉलेज के अंदर परफॉर्मेंस देने के लिए, क्योंकि आप सोचिए ये किस प्रकार एनवायरमेंट ख़राब किया जा रहा है। एक तो अगर आपको नाम मिल गया फेम मिल गया उसके बाद आप ऐसी हरकत कर रहे हो, एक तो आप नेपोटिज्म की वजह से
आपको मौके मिले हैं और मौके मिलने के बाद आप उसकी इज्जत नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना, जब कोई चीज़ आराम से बैठी बैठाई मिल जाए तो इंसान उसकी इज्जत नहीं करता है। तो आदित्य नारायण के ऊपर आज सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सवाल अभी और उठेंगे या नहीं उठेंगे ये तो नहीं पता, पर उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़िएगा, जो YouTube का है, Instagram का भी सेम है सागर भल्ला 18, Facebook का है सागर भल्ला, सबके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखे हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।